अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा दिन वेटर एजुकेटर सिस्टम से हमारे लेक्चर सीरीज में लेके हमारे पास है केमिस्ट्री 9 के लेक्चर थे, जिसके अंदर हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 49 और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है। और इसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हमारे यहाँ जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम को डिस्कस किया था, इसी तरह हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम के अंदर भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, इन चीज़ों को हमने देखना है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लें तो इससे पता चल जाएगा इनमें से दोनों मेटल में, सोडियम मेटल या मैग्नीशियम मेटल, इन दोनों में से ज्यादा टफ कौन सी है। इट इज अ लाइट मेटल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी 1.74 है और इसके अलावा ये फेयरली हॉट एंड मैलिएबल है, डक्टाइल है। और इसके अलावा जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर होती है तो ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो यहाँ पे ये कोटिंग बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो सबसे पहले फिर इसके बाद हमने देखनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन भी देखना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें जब इसके रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ऐसे रिएक्ट कर रही है, इसके बाद रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैग्नीशियम नाइट्राइड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बना देगी मैग्नीशियम नाइट्राइड। उसके बाद है कि ये मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आ जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ है मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो हमारे पास आ जाएगा साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिएक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो है मैग्नीशियम है जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये कैसे रिएक्ट करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड SO2, CO2 के साथ ये रिएक्ट करती है तो ये बना देती है मैग्नीशियम प्लस CO2। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, और इसी तरह मैग्नीशियम जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर। और इसके अलावा यहाँ पे ये मैग्नीशियम सल्फाइड भी बना सकती है। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो ये इसके बाद है कि ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्राइड। इसका पहला रिएक्शन है किसके साथ, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लीजिए।
उसके बाद है कि ये रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, तो ये मैग्नीशियम जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, तो MgCl2+ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी। इसके बाद है कि ये नाइट्रिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, HNO3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगी। मैग्नीशियम हाइड्राइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। उसके बाद है कि हमारे पास ये एसिड्स के साथ रिएक्शन था, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्या बना रही है, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, इसके बाद मैग्नीशियम है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाती है, और साथ में क्या बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है कि ये भी जो आपके पास मैग्नीशियम है ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखती है, तो इसमें इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ये भी किसी रिप्लेस कर देगी किसी लेस रिएक्टिव मेटल को, जैसा कि हमारे पास आ जाता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें मैग्नीशियम के साथ हम इसको रिप्लेस कर देना, और साथ में क्या बन जाएगा, 2Ag सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम यहाँ से सिल्वर को रिप्लेस कर देगी और ये सिल्वर आ जाएगा और आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसके बाद है मैग्नीशियम को डिजॉल्व किया जाए सीरियल सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ पे बनाते हैं मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड, जो कि जिसको नाम दिया जाता है ग्रिगनार्ड रिजल्ट का, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है कि रिएक्शन विद इथाइल हैलाइड के साथ, तो इथाइल हैलाइड में हमारे पास आ जाता है C2H5 इथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम, तो हमारे पास बन जाएगा ग्रीन नाइट्रोजन C2H5, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ग्रीन नाइट्रोजन है जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप है, एक मैग्नीशियम है और साथ में हैलोजन ग्रुप है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। उसके बाद लास्ट पे जो हमारा टॉपिक है इसके हमें यूजेस देखने हैं, तो यूजेस हम मैग्नीशियम है जो वो हम अलाइज बनाने के लिए यूज करते हैं, इसकी डेंसिटी लोअर। इसके बाद वो कहता है कि इसको यूज किया जाता है फ्लैश लाइट्स फोटोग्राफी वगैरह में यूज किया जाता है, मैग्नीशियम है जो इसको बनाया जाता है इग्नाइटिंग एल्यूमिनियम पाउडर के थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है, के नोट एक्ट करता है एज एन नोट फॉर क्रोइन रिवेंशन, और मैग्नीशियम को यूज किया जाता है एसेंशियल एलिमेंट्स इन मेकिंग ग्रिगनार्ड रिजल्ट। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर सेल 8.4 है, जिसके अंदर ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इस पूरे लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में देखे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम, प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम के अंदर भी हमने ये देखना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी जो हमारे पास आ जाएंगे इसके यूजेस, तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम को देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जैसा कि पीछे वाली दो मेटल किया थी सिल्वरी वाइट मेटल थी, सॉफ्ट मैलेबल डक्टाइल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
रेड ब्रिक कलर होता है, इसके फ्लेम का स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.55 है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट है जो 851 और बॉइलिंग पॉइंट 1440 डिग्री है। इसके बाद सबसे पहले हमने देखना है कि ये कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर आप पीछे देखें मैग्नीशियम ने जैसे रिएक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी रिएक्ट करेगा। कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कैल्शियम एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम हो तो HCl के साथ ये कैसे साथ में हाइड्रोजन, ये पीछे वाले रिएक्शन में भी देखा था कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इसी तरह जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये हमारे पास था रिएक्शन विद एसिड। उसके बाद है कि ये कैल्शियम कैसे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है हमारे पास V2O5 है, इसका कैल्शियम के साथ रिएक्शन होगा तो ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में कैल्शियम के साथ कैसे ये रिएक्ट करेगा, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को निकाल देते हैं और जहाँ पे खुद जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसमें खुद ऑक्सीजन इसे गैन कर लिया, मीन के ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है और इसमें से इसने रिड्यूस कर दिया इसको, इसमें से इसने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। उसके बाद है कि कैल्शियम सल्फर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कैल्शियम सल्फर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है, कैल्शियम सल्फाइड। इसके बाद है कैल्शियम क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये हमने कैल्शियम CaCl2 बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इसके बाद है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना, भी कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन H2 है तो ये किसके हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। इसी तरह कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन कार्बाइड बनाएगा, सी। इसी तरह हमारे पास है ये कैल्शियम फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फास्फाइड बनाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपने बस टॉपिक की हेडिंग दे देनी है कि रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो ये रिएक्शन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके हैं यूजेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को हम किन किन पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले है कि इट रिएक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम, जर्कोनियम वगैरह। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि हम क्रोमियम वगैरह बनाने के लिए, यूरेनियम और जर्कोनियम वगैरह बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके बाद सल्फर को रिमूव करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से सल्फर को रिमूव करने के लिए भी हम कैल्शियम को यूज़ करते हैं। एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए सल्फर नाइट्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन को अर्थ में से रिमूव और तो मिनरल में से रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन जब हो रही होगी माइन में से उनको मिनरल में से ये ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए भी हम इन को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैल्शियम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम को स्टडी किया है।